फागुन माह के महीने में शिव भगवान और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, जिसको लेकर हिंदू धर्म में पूरे रीति रिवाजों के साथ इस महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से और श्रद्धा से नाच गाकर मनाया जाता है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना लग जाता है। शिव पुराण के अंदर कई कथाओं का विवरण है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़कर हमारे अंदर श्रद्धा भाव पैदा करती है। बता दें, महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के अलावा 7 समुद्र पार विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भी मनाना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जापान में रह रहे भारतीय हिंदुओं की, जिन्होंने इकट्ठे होकर अपने घर पर ही महाशिवरात्रि का त्योहार हवन यज्ञ करके मनाया, क्योंकि वहां पर कोई शिव मंदिर बना हुआ नहीं है। इस पर्व पर भारतीय हिंदुओं ने इकट्ठे होकर शिव भगवान के मंदिर का निर्माण का फैसला किया। तभी भगवान शंकर की कृपा से वहां के रहने वाले मशहूर व्यापारी सपन सेन ने उन्हें भगवान शंकर का मंदिर बनाने के लिए एक भूमि दान की, जिसकी भारतीय कीमत 6.5 करोड़ रुपए है। इस मौके गुलाब राय, गुलाब गंभीर, राजेश यादव, गुलशन डडवाल, सुमित डडवाल, हरिंदर डडवाल, राजू खुल्लर, पंडित अनुपम पराशर, बलराज कुमार, संपूर्ण शर्मा, सचिन शर्मा, रोहित तिवारी, अजमेर मलही, धर्मिंदर मलही, सुरेंद्र कुमार, किंदर चौहान, शुभम राजपूत, अजय प्रधान, सतिंदर सिंह, दलजीत सिंह हीरा, सतनाम सिंह, गुरप्रीत कुन्नर, परमजीत सिंह, खुशप्रीत भंगू। तो आज हमें किसी ने कुछ जब तो रुका दिया, बोलते ना भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आज जो हम लोग एक प्रोग्राम बनाया है, सब भगवान की देन है, तो हो सकता है हम इसमें कामयाब हो जाए। हम लोग यहाँ मंदिर बनाना चाहता है सब भाई मिलके, किसकी जमीन, किसकी पैसा, किसकी मेहनत, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए है। इंडिया से एक कोना से लेकर दूसरे कोना में जितनी भगवान है चाहता है कि उस जगह पे रख दे, ये हमारी सबसे बड़ा। जो जापान में कोने कोने में, जो इंडिया नाइन में सब आदमी यहाँ पूजा करने आए, बात देखने को आए, अनुष्ठान बनाने का, यही हम चाहते हैं। किसी के शादी हो, किसी के जन्म, तो वो अगर मंदिर में फ्री में लेना चाहता है, मतलब एक दिन का लिए, दो दिन के लिए, वो बना सकता है। अगर इस वीडियो के जरिए कोई इंडियन भाई यहाँ आके फंस गया, वो जब चालू हो जाएगा वो एक दिन से लेकर 10 दिन रह भी सकता है, खाना पीना उसके लिए फ्री है। हम सब हिंदू लोग को विनती करता है, लंगर रखे 3 महीने एक बार, सब जो जिसको बनता, कोई मेहनत रहे, कोई पसीना दे, कोई पैसा दे, कोई फल फ्रूट दे, जो मर्जी दे सकता है, बस हमें जगाना है और हमारे देश की, हमारे ये हिंदू लोगों का और जगाना है कि हम लोग भी कुछ है, यही हम सबसे मिलती है। अज दे इस महाशिवरात्रि पर्व ते पहला सब नू लख लख मुबारकबाद। अज जापान दे विच पहली बार महाशिवरात्रि का जेड़ा पर्व मनाया गया, इस दे लिए मैं सारे देशवासियों नू और इत्थे दे जेड़े हिंदू दे पुराने जिन्होंने इत्थे जापान दे विच अपना नाम रोशन किया, मैं इन्हां नू बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सही हमारे सेन भाई हैं और बहुत लंबे समय से जापान में हमारे मतलब कुलीग भी हैं और सेम बिजनेस में है। आज सेन सामने एक दरिया दिल हिंदू सम्राट की तरह से अबाउट $1 मिलियन की जगह हमें सिर्फ मंदिर के लिए दान करिए। इस मंदिर में कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, हर कोई यहाँ आके मत्था टेक सकता है। और हम सब यहाँ पे रहने वाले जितने भी मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं, आज से हम तन मन धन से इस मंदिर की सेवा करेंगे और मैं अपने दिल से सेन साहब को धन्यवाद देता हूँ। हाँ जी, राजेश बोलते हैं। अपने सेन साहब ने बहुत बड़ा उद्यम किया इंडियन कम्युनिटी वास्ते, एड्डी वड्डी जगह दान की है। जापान दे विच, जापान एक सैकुलर कंट्री है, इतने मंदिर गुरुद्वारे बहुत घट ने। साडे कांतो जी दे विच भी सिर्फ एक गुरद्वारा एक मंदिर है, इतने ते कम्युनिटी नू इस जगह की बहुत लोड़ सी। दरिया दिल ने इन्होंने जगह दान की है, तो बाकी सारे बंदे उद्यम करके वधिया इन्हों जगह बना के इतने अपना इंडियन कम्युनिटी का नाम पूर रोशन करिए। सारे वीर मेरी वालों यही है, अपना भी बढ़ चढ़ के अपना जिन्ना योगदान पा सकते सारा उन्ना सारे योगदान पाउन, तो अपना इंडियन कम्युनिटी का नाम रोशन करिए। हाँ जी भाई, मैं तीसरा जापान में हो गया, बहुत दिन से तमन्ना था कि हम मंदिर बने, बा हम लोग हिंदू जो है इंडिया के एक कोना से लेकर दूसरे कोना, जो भी है, चाहे केरला हो, चाहे बंगाल,
केरला हो चाहे बंगाल हो चाहे पंजाब हो, सब मिलके यहाँ मंदिर बनाए रहे। बा किसी की शादी हो या एक दिन गले किराए में ले, सॉरी फ्री में ले ले। बहुत दिन से तमन्ना था, सब भाई लोग की वजह से मेरी तमन्ना पूरा हो गया। ये मेरी जो है ना सौभाग्य है कि इन दोस्त मिला है, भाई साहब हिंदू धर्म भाई साहब इंडियन मिला है। आज वीडियो में यूट्यूब में सब देखते रहते हैं कि ये हो रहा है ये हो रहा है, तो हम लोग यही चाहते थे कि जापान में भी कुछ बने। तो आज कितनी खुशी का दिन है मुझे ये नहीं था, और ज्यादा खुशी होगा जब चालू हो जाएगा। तो मुझे सारे भाई लोग से तमन्ना है और भी दोस्त लोग से, अगर इकट्ठा कर पाओगे करो, चाहे वो कहीं भी स्टार्ट करो, चाहे यहाँ जापान में कहीं भी रहते हो, सब मिलके आ जाए, साफ सफाई करते हैं, इसके कलर करते हैं, सब मिलके आइडिया लग के इसको चालू करते हैं, यही मेन हौसला है। क्योंकि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, भाई साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारे ये जो संस्कृत है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो मंदिर है, हमारा जो ये रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। किसी ने बहुत सा कि हम रहे ना रहेंगे, हमारा देश रहेगा तो हमारे झंडा रहेगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ा विशाल है। तो हम भी यही चाहता है, कहीं मस्जिद बनता है, कहीं और चर्च बनता है, तो हम चाहते हैं ऐसी बनाए कि मिसाल बन जाए जापान के लिए। कोने से लोग यहाँ आ जाए, चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे एम्बेसी का कोई आदमी, देखे नहीं ये लोग भी कुछ आए, न्यूजीलैंड से ले, अमेरिका से ले, हर देश में संदेश जाए, हर देश के डोनेशन मिले, हम लोग और कुछ कर सके, ये हमारी तमन्ना है। भाई साहब लोग की बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही ये हूँ, अपने माँ बाप की बहुत ही मैं आभारी हूँ कि इसी दोस्त मिला दिया, चाहे संजोग हो चाहे इतने पाओगे कुछ भी हो, और ऐसे हम लोग मिलते रहे, यही हमारी तमन्ना है। और सब भाई से यही कहता हूँ कि दो कुछ भी हो और ऐसे हम लोग मिलते रहे, यही हमारी तमन्ना है। और सब भाई से यही कहता हूँ कि दो महीने में तीन महीने जो चाहता है लंगिया लंगर लाके ये फ्री में खाना रखे, कोई दुखी हो चाहे जापानीज हो विदेशी हो, यहाँ आए खाना खाए, सब मिलके एक साथ में ये इंडियन कम्युनिटी। थैंक यू।